हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स असेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा? आज चैप्टर हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर मींस बढ़ता हुआ क्रम मींस स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, छोटे से बड़े की ओर। जब हम छोटे से बड़े स्टेप की ओर निकलते हैं तो वो क्या कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर, या हिंदी में इसे कहते हैं आरोही क्रम। ठीक है, आपको ये रखना है असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले छोटे नंबर, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये ऑर्डर क्या कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब स्टेप्स हम चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जब नीचे से फ्लोर से आप छत की तरफ जाते हो, रूफ की तरफ जाते हो, तो वो क्या कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब नीचे से आप ऊपर की ओर जा रहे हो, तो वो असेंडिंग ऑर्डर है। पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होते हुए आप लास्ट स्टेप तक पहुंचते हो, तो ये असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो देखो यहाँ, रीअरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आप, ये आपके पास 5 नंबर्स हैं, 15, 27, 35, 24, 30। इनमें से आपको सबसे स्मॉल नंबर है वो पहले लिखना है। तो सबसे स्मॉल कौन सा है? 15। 15 से अबव कौन सा है? 24। फिर 24 से अबव 27, और फिर 35, सॉरी 30, और उसके बाद 35 है, वो ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये आपने इन नंबर्स को, जो कि ऐसे ही रैंडमली लिखे हुए थे, इनको आपने किस में सेट कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में, एज इट इज। इसी में भी ऐसे ही करना है आपको, यहाँ 6, 40, 15, 20 और 12। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है? 6। फिर उससे अब 12, फिर 15, फिर आफ्टर दैट कितना है? 20, और फिर लास्ट है वो 40। तो ये आ गया, हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस में आपको स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हुए ग्रेटेस्ट नंबर की ओर जाना है आपको। नेक्स्ट देखो, क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर? डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ क्रम। कौन सा? घटता हुआ क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही। बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब ज्यादा से कम की ओर आप, मतलब रूफ पे हो और फ्लोर की ओर आ रहे हो, तो पहले लास्ट सीढ़ी, फिर उससे छोटे, फिर लास्ट में एंडिंग पे आप बिल्कुल जो स्मॉल पहली सीढ़ी थी उस पे आ जाओगे। तो ये जब सीढ़ियाँ उतरते समय जो ऑर्डर कहलाता है वो कौन सा होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब हम ज़्यादा से कम की ओर आते हैं, तो उसे कहते हैं डिक्रीज होना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है? सबसे पहले बिगेस्ट नंबर, और उसके बाद में धीरे धीरे करते करते लास्ट में हमें स्मॉलेस्ट नंबर की ओर जाना है। तो ये कहलाता है कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ नंबर है 19, 24, 16, 30, 29। तो इसे हम किस में सेट करेंगे? देखो सबसे पहले इसमें बिगेस्ट नंबर देखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर, और उसके बाद में उससे छोटे नंबर होते हुए हम लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30, फिर उससे छोटा 29, फिर उससे छोटा 24, फिर 19, और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 16। तो ये नंबर्स का ऑर्डर कौन सा होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी भी क्वेश्चन में देखो, यहाँ भी कौन सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 30। फिर उसके बाद 30 से छोटा कौन है? 27। फिर 27 से छोटा 21। फिर 21 से छोटा 19, और 19 से बाद 9। तो इन नंबर्स को आपने क्या कर दिया?
डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। तो आज आपके पास क्या है, एक तो असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं और एक डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं ये। अब देखो ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जिनमें हम जैसे कि हमें ये पहली कार है तो एक कार, तो वो तो हो गया उसके नंबर को बताने के लिए कि कितने नंबर्स की है, मतलब आपके पास पेन है, ये 3 पेन्स है, तो ये तो पेनों की काउंटिंग के लिए कितने पेन यहाँ हैं, तो उसको तो हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। जैसे कि ऑर्डिनल नंबर में मतलब यहाँ अगर बताना हो कि आप में सबसे पहले जो कौन है, ये पेन है वो कौन सा है, तो अगर मैं इस ऑर्डर से स्टार्ट करूँ तो ये कहाँ आएगा, पोजिशन क्या रहेगी इसकी, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करूँ तो ये फर्स्ट, तो पहले क्रम पहले नंबर को फर्स्ट नंबर को बताने के लिए मतलब अब जो सबसे पहले है उसको हम कहते हैं फर्स्ट, ऑर्डिनली नंबर्स कहलाते हैं ये, और उसकी पोजिशन को बताने के लिए, तो नंबर्स को अगर पोजिशन बताने में हम यूज़ करें तो वो नंबर कौन से कहलाते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स। नंबर्स दैट टेल अस अबाउट द ऑर्डर और पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए कलेक्शन, मतलब एक कलेक्शन के अंदर, एक भीड़ कह दो, एक समूह कह दो, एक ग्रुप के अंदर अगर जो सबसे पहले है जी, आप सबसे लास्ट है या कौन सी भी पोजीशन है, तो वो जिस नंबर से हम बताते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल नंबर। नंबर वही रहता है पहला ही, लेकिन उसको हम बोलने में क्या कहते हैं, फर्स्ट कहते हैं, वन नहीं कहते, क्या कहते हैं, फर्स्ट, और टू को क्या कहते हैं, सेकेंड, थ्री को थर्ड, फोर को फोर्थ, फाइव को फिफ्थ, मतलब जो वन है उसके आगे ST ये फर्स्ट, टू के आगे ND ये सेकेंड, और थ्री के आगे RD ये थर्ड, उसके बाद में जितने भी नंबर रहते हैं सबके आगे TH लगाते हैं, और इसके साउंड कैसा आता है, थर्ड मतलब फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, एट्थ, ये नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, 13th, 14th, 15th, इस तरह से। लेकिन जो थर्ड 3 नंबर है स्टार्टिंग के, उनको हम कहते हैं वन और ST, टू और ND और थ्री और RD, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे रेबिन एंड हिज फ्रेंड ऑर्गेनाइज ए कार रेस, मतलब रेबिन और उसके फ्रेंड ने क्या किया, एक कार रेस का प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया। तो कारें यहाँ पे देखो, सब कारें यहाँ पे दौड़ रही हैं, रेस लगा रही हैं, तो इनके अंदर ये पूछ रहे हैं कि नाउ कंप्लीट दीज द ग्रीन कार कम्स, ग्रीन कार है वो कौन से नंबर पे है, तो यहाँ देखो ये 1, 2, 3, 4, लेकिन जब हम पोजीशन बताएंगे तो 4 को क्या कहेंगे, फोर्थ, द ग्रीन कार कम्स फोर्थ, हरी कार है वो कौन से नंबर पे आई, फोर्थ नंबर पे आई। उसके बाद में द रेड कार कम्स, रेड कार देखो यहाँ फर्स्ट नंबर पे, कौन है, फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे, तो इसको रेड कहेंगे, इसको पिंक बोल दो तो ये रेड होगी, वो क्या होगी, फर्स्ट नंबर पे। द कार कम्स फिफ्थ, फिफ्थ नंबर पे कौन सी कार आई है, येलो, और द येलो पिंक कार कम्स थर्ड, पिंक कार कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, ये रेड है, और ये फिफ्थ पे आप इसको क्या कहोगे, ऑरेंज कह देते हैं इसे, कलर नहीं बताए सही से, ये ऑरेंज है, ये येलो, ये पिंक और ये रेड, ठीक है। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, पोजीशन ऑफ द लेटर एल इन द वर्ड स्कूल इज, तो स्कूल के अंदर, स्कूल की जो स्पेलिंग है उसके अंदर एल है वो कौन से पोजीशन पे है, तो एल यहाँ पे है तो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 है तो किस कैसे लिखेंगे, पोजीशन बताने के लिए TH लगाएंगे आगे, सिक्स्थ, क्या बोलेंगे, सिक्स्थ। पोजीशन ऑफ द लेटर ई इन द वर्ड, इस वर्ड में ई कौन सी पोजीशन पे है, तो ये गार्डन है, गार्डन में ई कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 और आगे TH मतलब फिफ्थ। इसी तरह से लॉयन में एन को बताना है, और मैथमेटिक्स में सी को पोजीशन बतानी है, और क्लासरूम में एम की पोजीशन आपको यहाँ पे लिखनी है।
फिर देखो आपको करना है बिफोर बिटवीन और आफ्टर। बिफोर बिटवीन और आफ्टर, बिफोर मीन्स होता है पहले। कोई भी नंबर आपको दिया है और लिखा हो कि इससे बिफोर कौन सा नंबर है, तो मतलब वो पहले का नंबर पूछ रहा है कि 7 है तो उससे बिफोर कौन है, 7 से पहले कौन आता है, 6। और आफ्टर का मीन्स होता है बाद में, तो 8 है उसके बाद कौन आएगा, तो 9। तो 8 के आफ्टर कौन होगा, 9। और बिटवीन मीन्स होता है बीच में, जैसे कि 6 और 8 के बीच में कौन है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 6 और 8, तो इनके बिटवीन कौन है, 7। तो ये बिटवीन है और ये बिफोर, 6 7 से बिफोर है और 8 है वो 7 के आफ्टर। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस में देखो, मोर देन का मीन्स भी क्या रहता है, आफ्टर रहता है। मोर देन मतलब 7 के बाद कौन आएगा, 7 के एक बाद, 1 more than, 7 से एक ज्यादा कौन होता है, 8। 7 से एक ज्यादा कौन रहता है, 8। 1 more than 9, मोर देन मीन्स ज्यादा, कितना, 1 more than। 2 more than हो जाएगा 9 का तो 10 11, और यहाँ 1 more than पूछा है तो 9 से सिर्फ एक ज्यादा, और 1 less than मतलब एक कम। तो मोर का मतलब ज्यादा, और देन का यूज हो कंपैरिजन के लिए, चलो, और लेस का यू मीन्स क्या हुआ, कम। तो 1 more than 7, 7 से एक ज्यादा मतलब 8, और 1 more less than 4, 4 से एक कम मीन्स 3। 1 more than 9, 9 से एक ज्यादा मतलब 10, और 1 less than 10, 10 से एक कम मीन्स 9। लेस देन का मीन्स कम और मोर देन का मीन ज्यादा। तो ये है आपके पास क्वेश्चंस है लेस देन और मोर देन के लिए। फिर नेक्स्ट है बिफोर आफ्टर और बिटवीन। तो बिफोर, 35 से बिफोर कौन है, 34। 63 से बिफोर मतलब पहले, बिफोर मीन्स पहले, और आफ्टर मीन्स बाद में, और बिटवीन बीच में या मध्य में, मध्य में। तो बिफोर, 35 से बिफोर कौन है, 34। 63 से बिफोर कौन है, 62। 75 से बिफोर मीन 75 से पहले कौन आता है, 74। आफ्टर देखो, 45 के आफ्टर 46, 51 के आफ्टर मतलब 51 के बाद 52, 24 के बाद 25, और इसी तरह बिटवीन का मीन्स 15 और 17 के बीच कौन है, 16। तो 83 और 85 के बीच में, तो आप बोलते जाओ नंबर, 83, 84, 85, 45, 46, 47, 61, 62, 63। तो ये हो गया बिफोर आफ्टर और बिटवीन।